हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12। देख सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है और ये इंग्लिश क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक, ये राजीव क्वेश्चन बैंक है। आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में पूरा 100 में 100 तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मतलब कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश में बताइए कि 100 में 100 कैसे तैयारी करें, तो ये आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए राजीव वाला। और इसमें हम बताने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को कि कैसे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको काफी हेल्प देने वाला है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना होगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का अगर मॉडल पेपर सोल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हूं, जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन और वहां पे आपको नोट्स भी उपलब्ध है। तो आज की इस वीडियो में देखिए एक क्वेश्चन का इसमें हम आपको टिक लगवाने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में लगा लो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है तो ये आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन बैंक ये जो राजीव देख रहे हैं ये मार्केट में अवेलेबल है, खरीद लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए और इंग्लिश क्लास 12। एक एक क्वेश्चन को इसमें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चलिए ये देख सकते हैं सेक्शन ए में जो आएगा आपका रीडिंग बुक से आएगा और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो पढ़े नहीं होगा अपठित पैसेज होगा उसको आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो देखिए मैं ट्रिक लगवा रहा हूँ कि कौन सा अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर पैसेज और यहाँ पर देख रहे हैं इधर चलिए एक नंबर के बाद दूसरा देख रहे हैं, दूसरा अनसीन पैसेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको टिक लगा लीजिए फटाक से। देखिए क्या लिखा है इसमें कि पॉलिटिक ऑफ कोलिएशन हैज बिकम द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ इंडियन पॉलिटिक दिस डे, नो डाउट ए कोलिएशन गिवन द चेंज चांस एंड प्लेजर ऑफ रनिंग ए गवर्नमेंट। इसको देखिए जो आपको दिख रहा है पैसेज इसको टिक लगा लीजिए, दो नंबर पैसेज, और इसको पढ़कर ही बता दीजिए, इसको टिक लगा लीजिए, इसको ही पढ़कर तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट है मैं कह सकता हूँ क्योंकि बार बार मैं रिपीट करके पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलता है और इस बार भी हेल्प मिलने वाला है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर देखिए पैसेज नंबर चार, ध्यान से देखिए पैसेज नंबर चार क्या लिखा गया इसमें, पद्म भूषण अवार्डी किशोरी अंकुर इज ए देखिए सेलिब्रेटेड सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम जयपुर। तो देख लीजिए इसको पैसेज नंबर चार और ये जो पढ़ रहा हूँ इसको अच्छे से तैयार कर लेना आपको, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर चार। इसके बाद चलते हैं पैसेज नंबर और बताते हैं, छह नंबर इसको नहीं करना है, सात नंबर भी नहीं करना है, इधर चलते हैं आठ नंबर भी नहीं करना है, यहाँ पे नौ नंबर भी नहीं, आपको बता रहे हैं वही ट्रिक लगाइए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दस नंबर देख लीजिएगा, दस नंबर यहाँ पर बता रहे हैं, दस नंबर यहाँ पर ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसको अच्छे से देख लीजिए पैसेज नंबर 10, और ये आपको इंग्लिश भी पढ़कर बताते चल रहा हूँ कि आपको डाउट हो तो आप पैसेज नंबर 10 को इसको टिक लगा लेना है, इसको ही तैयार करना है। आप कहेंगे बहुत सारे बच्चे कि सर क्या आपको कन्फर्म आएगा ही आएगा, तो जितने मैं बता रहा हूँ इस उतना को बस तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, गारंटी है 100% गारंटी इसमें से ही आने वाला है, हर बार पूछता है इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और इतना अनुभव हो गया है कि बच्चों को बता सकते हैं। 11 नंबर नहीं पढ़ना है यहाँ पे, अब देखते हैं 12 नंबर, इसको भी नहीं करना है। यहाँ पे 13 नंबर देखिए, ये अनसीन पैसेज को तैयार कीजिए 13 नंबर को, ए यंग मैन वाज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज फॉर मेनी मंथ ही हैड एडमायर ए ब्यूटी स्पोर्ट्स कार इन डीलर्स शोरूम। तो इसको आप टिक लगा लीजिए अभी, आप सब लोग क्वेश्चन बैंक निकालिए और अच्छे से टिक लगाइए अभी सबको सब। और यहाँ पे 14 नंबर मतलब कि टोटल देख लीजिए, ये बता रहा हूँ 14 नंबर भी लगा लीजिएगा, इट इज ओनली इफ वी हैव कैरेक्टर दैट फ्रीडम विल प्रोड्यूस हैप्पीनेस फॉर द मिलियंस ऑफ आवर कंट्री। इसको 14 नंबर पैसेज को भी टिक लगा लीजिए। कितने पैसेज बता रहा हूँ देखिए, एक ये हो गया, दो हो गया, यहाँ पे चलते हैं तीन हो गया ये, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे तीन के बाद इधर चलते हैं चार हो गया ये वाला, इसके बाद यहाँ पे चलिए पांच हो गया, और पांच मतलब टोटल आपको पांच 14 पैसेज है टोटल आपका क्वेश्चन बैंक में, 14 टोटल है और पांच को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अब हम चलते हैं वो, अब यहाँ पे सेक्शन बी में, सेक्शन बी जो है राइटिंग से आएगा, आर्टिकल लिखना होगा जो कि ऐसे के रूप में होता है, ठीक है, इस पर फोकस करिए। बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है आप समझ सकते हैं, तो आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ दीजिएगा, सेकंड इधर आइए,
आप देख रहे हैं फाइव नंबर, यहाँ पे आ जाइए। फाइव नंबर क्या बताया जा रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन द योर एविएशन इन लाइफ। देख लीजिए 2020 में पूछा गया है ZY पेपर में, एम ऑफ योर लाइफ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस मतलब की आर्टिकल को, ठीक है। इतना है, ज्यादा है भी नहीं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक ये हो गया, अब यहाँ पे आइए, क्या लिखा है, साइंस इट्स यूज एंड अब्यूज, मतलब साइंस का उपयोग और दुरुपयोग, इसको भी पढ़ लीजिए। देख लीजिए 2022 में पेपर में आ चुका है, इसको भी टिक लगाइए। दो बता दिए यहाँ पे, अब इधर तो चलते हैं इस पेज में, इस पेज में कोई भी नहीं है, मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर बता रहा हूँ, क्या है तीसरा नंबर, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस एन आइडियल मदर, एन आइडियल मदर पर, मदर पर भी लिखने के लिए आएगा पेपर में। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, माँ का स्थान समाज में कितना है, कहाँ मतलब किस स्थान पर है, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, देख सकते हैं। तीसरा ये हो गया, तीन बता दिए इम्पोर्टेंट, चौथा आइए देख ले सकते हैं। चौथा क्या लिखा है कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या, इस पर बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, 19 में भी पूछ चुका है, और मतलब कि 19 में काफी बार पूछ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भी पूछ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें अभी कोई नहीं दिख रहा है, इसके बाद अभी इसमें भी कोई नहीं है, इसके बाद चलते हैं, तो काफी जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, 32 नंबर पे आ जाइएगा, और 32 नंबर पे देख लीजिए, माई फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब, प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक, देख लीजिए 2020 में भी पूछ चुका है, तो काफी इम्पोर्टेंट, इसको टिक लगा लीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं इधर, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ, वैल्यू ऑफ गेम्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ, देख सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट है, इस आर्टिकल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जितने भी मैं आर्टिकल इसमें बताया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे, और आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन बैंक में जरूर टिक लगाइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि 100 में 100 कैसे तैयारी कर सकते हैं, फुल तैयारी करना है तो ये टिक लगा रहे हैं, इसको अच्छे से देख लेना है। कोई भी डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर जुड़िए, वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। अब चलिए लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में देखिए कौन सा लेटर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो इधर चलिए पेज उलाटिए, इधर आइए, फोर नंबर देख रहे हैं ना, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी, या अथवा में भी मिलेगा, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन मेयर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर एरिया, इसको टिक लगा लीजिए। इसके बाद अभी चलते हैं इस साइड, पेज नंबर आगे, पेज नंबर आगे देखिए 36 नंबर में, इसको 5 नंबर इसको देख लीजिएगा अच्छे से, देखिए क्या लिखा गया है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द रिनसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर अबाउट एट लेट नाइट, इसके लिए आपको लिखना है, तो इस पर भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप तैयार कर लीजिए। दो बताया हूँ, दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए। आते हैं 4 नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको करना क्या है कि जितने भी 19 में और 20 में पेपर आए हैं, में क्वेश्चन आए हैं, उसको पढ़ लेना है बस। चलिए उलाटिए, इधर देखते हैं 19-20, तो आप देख सकते हैं जित यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 ऑल सेट, सभी सेट के यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन मिल जाएंगे, तो इसको पढ़ लेना है बस। 19 वाला जितना भी आया है, यानी ई 5 है, इस 5 को पढ़ लेना है। इसके बाद आइए इधर, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 ऑल सेट, इस सभी सेट को पढ़ लेना है बस, 7 सेट को इस तरीके से पढ़ लेंगे तो तैयार हो गया नरेशन, और पीछे भी पढ़ लेंगे तो 2018 तक भी पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको हिंट कर रहे हैं कि कैसे ला सकते हैं अच्छा नंबर, सिंथेसिस में आपका क्या करना है, बी नंबर में, 4 का बी नंबर में, तो इसको भी आपको जो बोर्ड एग्जाम 2020-19-18 में आए हैं सभी को पढ़ लीजिएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, नीचे देखिए ध्यान से, यूपी बोर्ड 2019 ऑल सेट्स, इसको पढ़ लीजिएगा, ई तक है, इसमें 2020 के सभी सेट्स मिल जाएंगे, इन सभी सेट को पढ़ लेना बस, इतना काम करिएगा। और सी नंबर में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें भी वही करना है जो मैं बताते चल रहा हूँ, 19 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये पढ़ लेना है सभी, और 2020 में भी जितने हैं सबको पढ़ लेना है। अब गारंटी है कि इसी में से पेपर बनेगा, और इतना तक पढ़ सकते हैं, 15 से ऊपर सभी को पढ़ के लगाइए एक बार, सभी को टाइम दीजिए। सेंटेक्स में से देखिए, सेंटेक्स में से भी वही करिएगा, 2019-20 पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है 2019 और 20 सभी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद अभी हम चलते हैं इधर, आपको बताते हैं 5 का ए आइडोम्स फेज। इसमें क्या है कि इसमें तो आपको वही पढ़ना है जो कि 2019-20 में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2019-20 कहाँ है, देखिए 19 दिख रहा है ना, एन एप्पल ऑफ वंस आईज, बहुत प्यारा। इसको 2019 डीएस 2020 में पूछा है वाईबी में, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, इस सेंटेंस को इसी तरीके से तो आपको खोज लेना है, बस इसमें खोज लेना है। इसके बाद मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो इसमें से जो 2019-18-16 में पूछा गया है, मतलब कि 17-18-19 पढ़िएगा, ठीक है। एंटोनिम्स में से भी वही करना है, जैसे देखिए यहाँ पर 2020 में पूछा गया है, तो इसको पढ़ लीजिए, इंडिया का फाइनल, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो खोज खोज के आप भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे 2019-20 में पूछे गए हैं सभी को, इसको भी रिपीट करके पढ़ लेना है, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है। सिनोनिम्स भी वही करिएगा जो 2019-20 में पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में सभी सिनोनिम्स पूछे गए हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिए, 2019 वाला को भी तैयार करके आप दिमाग में माइंड में रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तैयार कर लेना है सभी को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द में जवाब देते हैं, उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2019 में आए हैं, सबको पढ़ लीजिएगा। होमोफोन्स भी देख रहे हैं ना, होमोफोन्स बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसमें भी वही कीजिएगा, 2019-20 में आए हैं लगातार कंटिन्यू, वो पढ़ लीजिएगा। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में रहेगा इंग्लिश में चेंज करना है, ये भी टिक लगाइए। देखिए एक्सरसाइज 1 दिया है, एक्सरसाइज 2, 3 मतलब ऐसे करके दिया, कौन सा एक्सरसाइज लगाना है, देखिए 7 नंबर पे आ जाइए, 7 नंबर एक्सरसाइज पढ़िएगा ध्यान से। भारत वर्ष में बहुत से आदमी शारीरिक परिश्रम करने में अपना अपमान समझते हैं, तो इसको लगा लीजिए यहाँ पर, देखिए ये 2011 में आया है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है, ये सन से मतलब नहीं, ये मतलब महत्व से मतलब है, भारतीय संस्कृति की विश्व की प्राचीनतम संस्कृतों में से एक है, इसको भी ठीक लगाइए 8 नंबर। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे आइए, 2014 में पूछा गया है कि हमारा देश महान है, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा, इसको भी टिक लगा लीजिए, काफी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आइए 17 नंबर पे, देखिए भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन काल में हम सपने संपन्न थे, इसको भी टिक लगाइए। इसके बाद अभी चलते हैं इधर, तो इधर अभी कोई टिक लगाने के लायक नहीं है, अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है, इधर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्वामी विवेकानंद वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में पूछने का काफी चांस है। कौन? स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे, पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया है, इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2020 में ये भी पूछे गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे विद्यार्थी, ये वाला पढ़ लीजिएगा, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, इसको भी तैयार कर लेना है। बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसमें, फ्लेमिंगो प्रोज से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को टिक लगा लीजिएगा, एक एक चैप्टर से बता चल रहे हैं। देखिए द लास्ट लेसन वाला से शॉर्ट आंसर टाइप में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये 7वां है, इसको लगा लीजिए। व्हाट डिड द फ्रेंच थिंक अबाउट द फिनजोन वाई, इसको टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर में चलते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग में भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वेयर देयर इज द होम, इसको टिक लगा लीजिएगा 5 नंबर। इस चैप्टर के बाद डीप वाटर वाला चैप्टर से आइए, डीप वाला चैप्टर से आइए, 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड डाउलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद नीचे 10 नंबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉट्स डगलस, इसको टिक लगा लीजिएगा 10 नंबर। इसके बाद अभी आते हैं अगला चैप्टर, द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप वाला चैप्टर से देखिए यहाँ पर, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, इसको टिक लगाइए 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद आइए 7 नंबर, नीचे सबसे आखिरी में है 7 नंबर, व्हाई वाज द वैगबोंड नॉट रेडी टू गेट विद द इनो मास्टर टू हिज हाउस, इसको टिक लगा लीजिएगा 7 नंबर। इसके बाद 11 नंबर इसी चैप्टर का है, व्हाट क्रिसमस
प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, वाई डिड सी गिव द लिटिल क्राई ऑफ जॉय। इसको टिक लगा लीजिए। इसके बाद अगला चैप्टर है 5 नंबर, इंडिगो। इंडिगो से आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन लगाइए, हु वाज राजकुमार शुक्ल, व्हाट वाज इज स्पेशलिस्टी। इसको टिक लगाइए। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर इसी इंडिगो चैप्टर से अभी अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, टिक लगाते चलिएगा। आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, 100 में 100 लाना है तो इसको पढ़िएगा। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। इसको टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन वाला में चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन जो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको बताते हैं लंबा वाला क्वेश्चन कौन कौन से लगाइए। चलिए द लास्ट लेसन वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर से लगाइए 1st नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड द नोटिस ड्यूरिंग द वे। इसको टिक लगाइए। इस चैप्टर से हो गया एक क्वेश्चन बता दिया। लास्ट स्प्रिंग वाला से पहला क्वेश्चन लगा लीजिए, दूसरा जो चैप्टर लास्ट स्प्रिंग इस चैप्टर का लगाइए। हु वाज सहेव, व्हाट वाज द पी लाइट दैट कंप्लेड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली ऑफ FR रैग पिकिंग। इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद इसी चैप्टर का आप यहाँ पर देखिए 4 नंबर, ध्यान से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बंगाल मार्कस। इसको टिक लगा ली। इसके बाद अगला चैप्टर में चलते हैं, डीप वाटर। डीप वाटर दिख रहा है सबसे आखिरी में नीचे। 1st नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। इसको टिक लगाइए। इसके बाद 4 नंबर, इसी चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा, ठीक है। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरऑल हिज फियर सॉरी ओवरकम हिज फियर फॉर वाटर, हाउ लॉन्ग इट टूक द डगलस डगलस टू बिकम ए स्विमर। इसको लगा लीजिए 4 नंबर को, ठीक है। इसके बाद अब अगला चैप्टर द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप वाला चैप्टर से 2nd नंबर क्वेश्चन लगाइए। हु यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। हु कॉटेज डिज द पेडलर फाइंड अलोंग द रोड, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड व्हाई। इसको लगाने के बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसी चैप्टर में 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। हाउ डिड द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिसमेंट, मतलब कि प्रेडिसमेंट वाला, इसको लगा लीजिए। इसके बाद अगला चैप्टर इंडिगो, इंडिगो वाला चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसमें कि हु वाज राजकुमार शुक्ल, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, व्हाट डिड ही डू द फुलफिल हिज डिजायर। इसको लगा लेने के बाद इसके बाद इस चैप्टर में अब आपको 6 नंबर क्वेश्चन देख लेना है, बस 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हाउ कैन वी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन। इसको लगा लीजिएगा। अब इसके बाद उलटते चलिए, अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में जो आएगा पेपर में फ्लेमिंगो पोएट्री से, इसमें से बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 6-6 मार्क्स का आता है, तो स्टेंजा इसमें पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो यहाँ पे स्टेंजा नंबर देखिए, माई मदर्स एट 66 वाला जो चैप्टर है, इसमें पहला स्टेंजा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देखिए इसमें आंसर क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़िए। दूसरा भी तैयार कर लीजिएगा, पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक डाउन। इसको पढ़ लीजिएगा लोट बट। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला चैप्टर, 2nd नंबर चैप्टर यहाँ पर दिख रहा है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसको देखने के बाद इसमें कौन सा बता रहे हैं ध्यान से देखते रहिए। इसलिए 4 नंबर पे आ जाइएगा, 4 नंबर यहाँ पे है सबसे नीचे, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। इसको टिक लगा लीजिए, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद अगला चैप्टर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, कीपिंग क्वाइट। इस चैप्टर का आप 2nd नंबर दिख रहा है ना स्टेंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इसको लगा लीजिए। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए 5 नंबर, उसी चैप्टर का, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल एफिशिएंटी इन एक्टिविटी है इन एक्टिविटी। इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो है आप देख सकते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर का पहला मतलब इस स्टेंजा का पहला स्टेंजा दिख रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय
फॉरएवर इसको लगा लीजिए। इसके बाद चलते हैं इधर, तो अब कोई नहीं है। इसके बाद 10 नंबर सेंट्रल आइडिया बताएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना है आपको, एक भी छोड़ना नहीं है। माई मदर एट 66, इसको पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम आएगा पेपर में। अब इसके बाद तीसरा पढ़िए, देखिए कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट वाला स्टेंजा तैयार कर लीजिएगा सेंट्रल आइडिया। इसके बाद ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तीन बता रहे हैं, माई मदर एट 60, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बस इतना ही पढ़ लेना है आपको। मतलब कि 5 दिया है टोटल, 5 में से 3 को पढ़ लेना है। इसके बाद ये मल्टीपल चॉइस जो 2019 में पूछे गए हैं और 20 में, उसको ही तैयार कीजिएगा। फिगर आप इस बीच में से वही याद कीजिए जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तब से लास्ट अभी हम चलेंगे इधर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो आएगा सप्लीमेंट्री से, उसमें भी टिक लगाते चलिएगा। द थर्ड लेवल वाला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 बाजी, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, इसको पढ़ लेना है अच्छे से इस चैप्टर को। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, 9 नंबर, व्हाई डिड सैम, व्हाट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाट डिड ही डू विथ इट, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द टाइगर किंग वाला चैप्टर से आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देखते चलिए, है ना। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का, द किंग, द टाइगर किंग वाला से 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, व्हाट हैपेंड विथ द किंग, बस हो गया 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से पढ़ लेना है बस। इसके बाद आगे चलते हैं, नहीं सॉरी 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है इस चैप्टर से। इसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके बाद आइए इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर मतलब कि दूसरा दिख रहा है सबसे ऊपर टॉप में दिख रहा होगा। व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग मतलब अंटार्कटिका, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसी चैप्टर का 7 नंबर, हु वाज जोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर 4 नंबर नीचे, द इनेमी, इसको इसमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पढ़िए, Why did the messenger come to Dr. Shadow's house and who sent him? ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका Should Wizard Hit Mummy? इसको पढ़िएगा 2nd नंबर क्वेश्चन को। What was the basic tale told by Jack? इसको पढ़ने के बाद 7 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर में आइए। Why did mother, देख रहा है ना, पढ़िए उसको। Why did mother of Roger Scrimg गो टू द विजार्ड, इसको पढ़ने के बाद अगला चैप्टर 6 नंबर, ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर का दूसरा पढ़ लीजिएगा दूसरा। व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेरी ऑन हिज कमिंग इन टू हिज गार्डन, इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का, अगला क्वेश्चन तो दिख ही रहा है 8 नंबर, व्हाट डिड डेरी फाइंड व्हेन ही रीच टू मिस्टर एमआर लैम्स गार्डन, इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, यही 12 नंबर पेपर का है, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कितने नंबर का है, तो 7 नंबर का है। आप देख सकते हैं पहला चैप्टर जो है द थर्ड लेवल, इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड व्हाई, इसको पढ़ना है। इसके बाद अब इसी चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 4 नंबर कौन सा, ये है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई, इसको पढ़ने के बाद अगला चैप्टर है आपका द टाइगर किंग, इस चैप्टर का आपको 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तैयार कर लेना है। व्हाट वाज द वॉ ऑफ द महाराजा, हाउ डिड ही fulfilled it and what danger did he face, इसको पढ़ने के बाद अगला चैप्टर चालू करते हैं। तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, डिस्क्राइब द पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन अंटार्कटिका, व्हाट लाइफ वाज सर्वाइविंग देयर एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर द इनेमी, इस चैप्टर से आपको 1st नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, हु वाज डॉक्टर शादव, हाउ डिड ही मीट हन्ना एंड मैरी टू हर, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर मैरिज एंड हाउ, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी,
इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन पढ़ने हैं बस। कौन कौन से? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेना है कि हु वाज रोगर श्रुंक, हाउ वाज सीम्ड अटैच्ड डीपली विथ हिज कैरेक्टर वाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का फोर नंबर। देखिए फोर नंबर क्या कह रहा है इसमें कि हु वाज क्लेयर, हाउ वाज सी ब्यूजी ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, व्हाट डिड जैक फील एट द एट हर कंडीशन एंड व्हाट इज द व्हाट ही वांट टू डू। इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चैप्टर है आपका नीचे यहाँ पर देखिए ऑन द फेस ऑफ इट। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का हु वाज डेरी, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, व्हाट बिहेवियर हैड ही गो टू फेस फ्रॉम अदर, व्हाट इज हैड थिंकिंग विन। इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेना है कि हु वाज मिस्टर लैम्प, हाउ वाज ही ए डिसेबल पर्सन, हाउ डिड ही ट्रीट डेरी। इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका आप क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, यही तो आप जानते ही हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछ रहा है उसी को पढ़ के रिपीट करना है। इसके बाद ये तो सभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मॉडल पेपर, ये भी हम डाल चुके हैं वीडियो, बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, ये मॉडल पेपर है, इन सभी मॉडल पेपर प्री बोर्ड का, इन सभी का मैं सोल्यूशन भी करा के डाल चुका हूँ चैनल पर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।